गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास फोर सब्जेक्ट ईवीएस पार्ट वन का चैप्टर नंबर सेवन, जो है फूड एंड न्यूट्रिशन के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए देखते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन के क्वेश्चन और आंसर। पहला क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज फ्रूट टेस्ट स्वीट बिकॉज दे कंटेन डैश डैश। तो आप सबको पता है ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें खाने में मीठी लगती है? शक्कर। तो ऑब्वियसली फ्रूट में भी कहीं ना कहीं शक्कर होगी, इसलिए वो हमें स्वीट लगते हैं ना। अभी शक्कर मतलब ऐसा नहीं कि हम जो शक्कर यूज़ करते हैं वो फ्रूट में डाली जाती है, वैसे नहीं। फ्रूट में भी प्लांट जो है वो थोड़ी अलग टाइप की शुगर बनाते हैं, है ना। तो इसका आंसर है फ्रूट टेस्ट स्वीट बिकॉज दे कंटेन शुगर। सेकेंड इज राइस व्हीट ज्वार बाजरा आर अवर डैश डैश फूड। तो इसकी फिल इन द ब्लैंक्स क्या आएगी? स्टेपल। राइस व्हीट ज्वार बाजरा आर अवर स्टेपल फूड। स्टेपल मीन्स जिनको हम ज़्यादातर यूज करते हैं, ज़्यादातर खाते हैं, है ना। उसके बाद है एंड स्टेपल का एक मीनिंग मुख्य होगा। मुख्य मतलब हमारा मुख्य खाना जो है वो क्या है? चावल गेहूँ ज्वार और बाजरा। नेक्स्ट है The tiny peaks on our tongue are called dash dash। तो हमारी जो टंग है, जो हमारी जुबान रहती है, उस पर कुछ छोटे 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 टाइनी जो है वो पिक्स रहते हैं, है ना। आप अपनी जुबान को आईने में भी देख सकते हो। आपको अपने जुबान पर देखिए ऐसे छोटे 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 कुछ पिक्स दिखाई देंगे, तो उन्हें क्या कहते हैं? टेस्ट बर्ड। क्या कहते हैं? टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड मतलब जिनसे हमें टेस्ट समझती है। हम कुछ भी खाते हैं तो उसकी टेस्ट कैसी है, उसकी टेस्ट मीठी है, बिटर है, वो कैसे है, वो हमें उससे समझ में आता है। नेक्स्ट इज ऑल डैश डैश फूड आर नॉट मोर नरिशिंग। तो जो एक्सपेंसिव फूड रहते हैं वो नरिशिंग होते हैं क्या? नहीं होते। ऑल एक्सपेंसिव फूड आर नॉट मोर नरिशिंग। तो यहाँ पर हमारे फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? एक्सपेंसिव। फिफ्थ नंबर की फिल इन द ब्लैंक से हमारी इफ़ अवर बॉडी इज टू वर्क प्रॉपरली इट मस्ट रिमेन डैश डैश। अगर हमने या फिर हमारी बॉडी ने प्रॉपरली काम किया तो हम कैसे रहेंगे? हेल्दी। इफ़ अवर बॉडी इज टू वर्क प्रॉपरली इट मस्ट रिमेन हेल्दी। नेक्स्ट है यूज़ डैश डैश वाइल कुकिंग फूड। तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए फूड प्रिपेयर या फिर फूड पकाने वक्त? क्या यूज़ करना चाहिए हमें? प्रेशर कुकर। यूज़ प्रेशर कुकर वाइल कुकिंग फूड। सेवन नंबर इज यूज होल ग्रेन्स फ्लोर विदाउट डैश डैश। तो हम जो गेहूं का आटा लाते हैं या फिर जो भी हमारे बाजरा ज्वार के आटा लाते हैं हम, उसे हमें क्या करना चाहिए? यूज़ विदाउट शिफ्टिंग, मतलब बिना हमें उसे हम देखो अगर आपकी मम्मी भी रोटियां बनाती होंगी तो वो क्या करती है? पहले एक छल्ले से या फिर एक गाड़ने से उसे क्या करती है? छान लेती है ना, और उसके बाद उसको यूज़ करती है। तो हमें क्या करना है? बिना छाने मतलब बिना शिफ्टिंग किए ही उस आटे को यूज़ करना है। नेक्स्ट इज व्हेन कुकिंग फूड ऐड ओनली एज मच वाटर एज इज नेसेसरी। तो हमें कोई भी खाना पकाने के लिए क्या करना चाहिए? जितना वाटर उसे लगता है उतना ही डालना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? अगर किसी सब्जी को बनाने के लिए एकदम छोटा सा वाटर लगता है, जैसे कि वन स्पून, और हम उसमें एक ग्लास पानी डाल रहे हैं, तो क्या होगा? हमारी जो भी सब्जी होगी वो क्या होगी? बिगड़ जाएगी, और खाने में अच्छी लगेगी क्या? नहीं। और उसमें जो न्यूट्रिशंस रहेंगे वो हमें मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगी। तो ये थी हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स। अभी देखेंगे हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है वी कैन सर्व गार्लिक चटनी यूजिंग अ बिग लेडल। तो हम गार्लिक चटनी एक बड़े से लेडल से, बड़े से चम्मच से सर्व करते हैं क्या? परोसते हैं क्या? नहीं। तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स। तो हम हमारी गार्लिक चटनी कैसे देते हैं? एकदम थोड़ी सी ही देते ना, छोटे से चम्मच से। सेकेंड इज We need little water to keep our body function properly। तो हमें हमारे बॉडी के फंक्शन जो है वो प्रॉपरली वर्क करने के लिए थोड़ा सा पानी लगता है क्या? नहीं। ये क्या हुआ फिर? फॉल्स हुआ। हमारी बॉडी जो है वो 72% हमारे बॉडी के अंदर क्या रहता है? वाटर रहता है। अगर हमने हर रोज़ 5 या 10 लीटर वाटर पीना ही चाहिए, अगर हमने उतना पानी नहीं पिया तो हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगी। नेक्स्ट है हमारा वी शुड ईट पल्सेस ओनली व्हेन दे आर स्पॉटेड
एक्सेसिवली लॉन्ग, तो हमें सिर्फ पल्सेस तभी खाने चाहिए क्या जब वो स्पॉटेड, यानी कि जब उनको कॉम्ब फूटते हैं या फिर मोड़ आते हैं, वो भी बड़े बड़े? नहीं, तो ये क्या हुआ? फॉल्स। नेक्स्ट है, टेस्ट बर्ड आर सिचुएटेड इन दी नोज। तो अभी मैंने आपको फिलिंदे प्लांट्स में बताया टेस्ट बर्ड कहाँ पे होते हैं, टंग के ऊपर होते हैं। यहाँ पर वो क्या बता रहा है, किसमें है टेस्ट बर्ड? नाक में है। अभी आप मुझे बताएं हम नाक से खाना खाते हैं क्या? नहीं ना, तो इसलिए ये क्या हुआ? फॉल्स। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है हमारा, सम ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूंट्स गिव स्ट्रेंथ टू अवर बॉडी। तो कोई कोई कॉन्स्टिट्यूट जो है वो हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ, ताकत देते हैं, तो ये क्या हुआ हमारा? ट्रू। वाइल प्रिपेयरिंग फूड आइटम्स ऑल द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द फूड रिमेन इनएक्ट। तो जब हम कोई भी फूड आइटम बनाते हैं तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूट है वो सेम रहते हैं क्या लास्ट तक? नहीं, तो ये क्या हुआ? फॉल्स हुआ। नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स है हमारा, ड्रिंकिंग वाटर अफेक्ट च्यूइंग आमला टेस्ट स्वीट। मतलब अभी आपने ये आप खुद भी करके देख सकते हो, आपको क्या करना है, पहले आमला जो रहता है आवड़ा जिसे कहते हैं वो खाना है और उसके बाद पानी पीना है, तो हमें पानी कैसा लगेगा? स्वीट लगेगा, मीठा लगेगा, तो ये क्या हुआ? ट्रू। नेक्स्ट है, अवर डाइट्स इंक्लूड सेम फूड आइटम। तो हमें हमारी डाइट में सेम फूड आइटम यूज़ करने चाहिए क्या? नहीं, तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स। हमें हमारे डाइट में हर एक प्रकार के, हर एक टाइप के जो है वो फूड आइटम इंक्लूड करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द कॉलम्स। इसमें हमें दो कॉलम दिए गए हैं, इसके ए कॉलम में दिए गए हैं मिल्क, सिसम, टर्माइट, जवार, चीकू, और बी कॉलम में है सोर, शुगर, फ्लोर, ऑयल, बटर। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर। मिल्क, मिल्क से क्या बनाया जाता है? बटर। सिसम, सिसम से क्या बनाया जाता है? ऑयल। टर्माइट, टर्माइट मतलब हमारी चिंच है ना, वो कैसे लगती है? सोर है ना, ऐसे एम्बर टाइप की लगती है वो। जवार, जवार से क्या बनता है? फ्लोर, हम आटा बनाते हैं। चिक्कू, चिक्कू में क्या होती है? शुगर है ना। तो ये थे हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर। ये सब आपको अपने CW और EHW में लिखने हैं और साथ ही इन्हें लर्न करना है। थैंक यू।